सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शहजाद फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप, आई होप अच्छे होंगे यार। आप लोग की दुआ से गाइस हम लोग भी अच्छे हैं, सोचते हैं मस्त है। तो जैसे कि 2-4-5 दिन से गाइस हम लोग का ब्लॉग नहीं आ पा रहा है क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं है और मुस्कान उस्कान और किसी को टाइम भी नहीं मिल रहा गाइस, क्योंकि कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल और लिखने में पूरा बिजी रहते। तो इसके लिए गाइस थोड़ा सा ब्लॉग 2-4 दिन से नहीं आ पा रहा है, बट कोई नहीं, जैसा जैसा टाइम मिलते जाएगा वैसा वैसा हम लोग शूट करेंगे और जो भी हो सकेगा आपको बताएंगे ज़रूर। और बारिश में तो कहीं जाएगी तो कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, कुछ समझ में नहीं आता है गाइस। तो मैं बोला चलो आज मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग, मुस्कान को बोला चलो आज कुछ तो अपडेट आप लोग को मिलेगा। और देखो मुस्कान इधर है। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, चढ़ गई अब कोको 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 चढ़ गई। बाप रे बाप रे बाप रे, पूरा पैंट मेरा, अल्लाह 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 कोको, बाप रे, क्यों अब्बा को मारते रहते पूरा है? कल तो पीठ हाँ? पे चढ़ गई थी पूरा मेरे यार, अब्बा को मारते रहते जब देखो जब। तो आज है सैटरडे और मेरी आज कॉलेज की छुट्टी है क्योंकि आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है कुछ, तो आज छुट्टी दी है और मेरी क्लासेस की ऑलरेडी छुट्टी रहती, तो अभी 2 दिन में फ्री हुआ आज और कल। दो दिन ब्लॉगिंग, अब्बा इधर लगाए गए, नहीं नहीं अभी 2 दिन ब्लॉगिंग करो। देखो स्वाद निकल रहा है, क्या ये वो छीकने वाली है, रख रख दे रख दे, एक बार लगाओ ना। नहीं नहीं रख दे रहा, मेरे को लेट हो रहा है बेटा, मेरे को 11:45 हो गया यार, मेरे को काम पे जाना है। अरे यार अब्बा तुम पहचान गए, मैं तुम्हारे साथ पता है प्रैंक करने वाली थी। हाँ हाँ रख रख, मेरे को पहले पहचान गए, रख पहले मैं ऑफिस जाऊँ, ऑफिस से आऊंगा तब देखेंगे। जाओ ना तुम, मैं लगाती थोड़ा। ओहो स्वान ने कल से लाया था, अरे फोन पकड़ो मैं जाऊँ अभी। कितना घाई कर रहे, देखो लेट हो रहा है, हटो हटो लगा अरे मां गाइस छीक छीक के वाट लग गई है, कल सुहाग ने छिकनी लेकर आया था और मैं अब्बा पे ट्राई करने वाली थी, बट आप लोगों ने देखे अब्बा को इतना लेट हो रहा था काम पे जाने के लिए, तो उन्होंने पहले पहचान गए ये छिकनी है, वरना मैं उनको सुंगाने वाली थी और मैंने सूंगी, मैं छीक छीक के मेरी हालत खराब हो गई। कासी लाया था, जुगली से लेके आया था पूरी मेरी नाक, हम लोग है ना स्कूल में बहुत लगा देते छिकनी। कल स्वान ने लाया, कल ही लाया ना तूने, कल लाया, मैं बोली अभी नहीं लगाऊंगी, अब मेरे को अब्बा पे ट्राई करना था, बट अब्बा ऑलरेडी पहचान गए तो मेरा प्रैंक रॉन्ग हो गया, वरना उनको कंटिन्यू मुझे छिकाना था, बट जाने दो, मैंने खुद पे ट्राई कर लिया, मेरी नाक एकदम खुजा रही है और यहाँ पे लेकिन। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, अभी तक हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया, तो चले नाश्ता करते हैं, फिर जैसे भी आ गया है आगे की अपडेट आप लोगों को देते हैं थोड़ी देर से। सो गाइस यहाँ पर अम्मी बना रहे हैं आज कुछ न्यू छोटी सी रेसिपी, क्या बना रहे हैं अम्मी? तो ये गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, तो वेलकम हो गया सर फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि हमारे तो सुबह से तो काम वाम हमारा हो चुका था, तो मैं पकाने की तैयारी कर रही थी, तो मैं बना रही हूँ नींबू की चटनी, जैसा कि नींबू का अचार आप लोगों ने देखे हुए है ना नींबू का, तो मैं बना रही नींबू की चटनी, चटपटी बनती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनती है, आप लोग जरूर देखना मेरी चटनी को और आप लोग मेरी रेसिपी को भी जरूर ट्राई कीना करना। और मैं बनाती, हम लोग के घर में ना नींबू की चटनी बहुत मतलब शौक से खाते हैं, जैसे ठेसा वगैरह, ठेसा वगैरह खाते हैं, तो मेरे अब्बा को बहुत ज्यादा पसंद थी नींबू की चटनी, मेरे अब्बा नींबू की चटनी, जवारी की रोटी, दही, ये सब चीजें बहुत खाते थे। मेरे अब्बा तो नींबू की चटनी मतलब अपने हाथ से ही बनाते थे, मुझे नहीं आता था ना तो बोलते थे हट मैं बनाता हूँ, हट मस्त बनाते थे, तो माशाल्लाह। तो चलो मैं आज आप लोगों के साथ वही चटनी शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक टोप में पानी डाली हूँ, एक लोटा, और मैंने जैसे कि ली हूँ 6 नींबू। चटनी आप लोगों को कितनी नींबू की बनाने की वो आप लोग के ऊपर है, आप 6 की बनाओ या 7 की बनाओ, आपके ऊपर कितने नींबू लेना है। तो सबसे पहले हम इसको उबाल लेंगे, नींबू को अच्छी तरह से उबाल लेना है, कम से कम 10 से 15 मिनट, जो हमारे नींबू अच्छे से गलना चाहिए है ना। और इसके साथ साथ हम लेंगे लहसुन, तो मैंने जो लहसुन हमारे घर में खत्म हो गया था तो मैं दुकान से लेके आई हूँ, देखिए मैंने 20 रुपए के लाई हूँ, तो 20 रुपए का लहसुन तो नहीं डालना है हमें, तो हम इसको इतना गड्डी, तीन गड्डी हम लोग लहसुन छील लेते हैं जब तक हमारे नींबू उबले तक, है ना। यस, तो यहाँ पे नींबू उबल रहे हैं और यहाँ पे देखो आया है अरहम, और यहाँ पे मैंने बिल्ली लोग को भी सुलाने रखी क्योंकि उन लोग ऊपर थे इस वजह से, और अभी मैं भी लिखने के लिए बैठ रही हूँ, तो मैं बीच बीच में थोड़ा व्लॉग भी शूट कर लूंगी और मैं लिखूंगी भी, तो मैं कैसे लिखती हूँ, हम लोगों ने क्या न्यू सेटअप करके लिखते हैं, मैं पहले कर लेती हूँ वो सेटअप, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
सो गाइज देखिए ये वाली जो पलाई है हम लोगों ने हमारी कैट्स लोगों के लिए लाए थे, तो मतलब वाली जो बास्केट है ना उसके ऊपर हम लोग रखते थे, बट अभी उन लोगों को तो यूज़ नहीं होती है तो इस वजह से ये नीचे ही रखी हुई थी यहाँ पे, अम्मी ने बाटले के पास कोने में रखे थे, तो उसके नीचे मैं ये डब्बा रखती हूँ मस्त, इसके ऊपर बड़ी सी पलाई रखती हूँ और ये डब्बा एकदम आगे रह के आराम से एकदम कंफर्टेबल बैठ के लिखती हूँ, और मुझे कैसे अच्छे से लिखने भी जमता है, कंफर्टेबल भी लिखने के लिए होता है। और यहाँ पे मैं मेरे बैग के लिए मैं आराम से तकिया रख के मस्त यहाँ पे ऐसे बैठती हूँ। तो ये हमारा स्टडी टेबल भी बन चुका है, जो स्टडी टेबल आता है कुछ मैंने देखी थी ऑनलाइन 2500-1500, तो उतना लेने से अच्छा जब हमारे घर में ही कुछ जुगाड़ हो जा रहा है तो हम वो क्यों ना करें। हम लोग वो लेने वाले थे बट ना एक्चुअली रखने, आप लोगों को पता है जगह नहीं है, तो इस वजह से हम बोले कि हम इससे काम चलाएंगे, तो मस्त यहाँ पे ऐसे साइड में लाइक ऐसे पैर फैला लेती हूँ मैं ये डब्बे ऐसे रख के, मतलब मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ लिखने टाइम पे, तो बस कुछ ऐसे बैठ के मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरी पढ़ाई चलती है। अभी भी मेरे को थोड़ा सा लिखने का बाकी है तो मैं जा ही रही थी। सी गाइस मेरी राइटिंग कैसी है मुझे कमेंट में बताना, आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कि मेरी राइटिंग कैसी है, इम्प्रूव हो रहा है। एक साल बाद पूरा लिख रही थी तो स्टार्टिंग ख़राब हुआ, बट अभी थोड़ी सी सही हो गई है, तो मेरी राइटिंग कैसी है मुझे कॉमेंट करके बताना। तो अभी मैं जब तक लिखती हूँ, जब तक कि हमारे नींबू उबल रहे हैं तब तक मैं लिखती हूँ, फिर जैसा भी है मैं आगे आप लोगों को अपडेट देती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने अच्छे से नींबू उबाल के ले ली हूँ, ये कम से कम 10 से 15 मिनट के ऊपर मैंने कम से कम उसको उबाली होगी, आप लोग देख सकते हैं। एकदम अच्छे से उसको गला के लेना है, फिर इसके बीज निकाल लेना है, ऐसे टोकनी के अंदर सब बीज पूरी निकाल लेना है। और मैंने लहसुन भी ली हूँ, तो सबसे पहले हम लहसुन को वो कर लेंगे, कूट लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, आप लोगों को जितना लगेगा, तो मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिर्ची में भी नमक होता है ना। मिर्ची भी अपने हिसाब से डालना, क्योंकि मैं एक चम्मच भर के डाल रही हूँ, और आधा एक चम्मच दो चम्मच पकड़ लो मिर्ची। अभी हम इसको पहले कूट के लेते हैं आराम आराम से, आराम आराम से कूट लेते हैं ताकि लहसुन हमारा अच्छे से कूटा जाए। और लहसुन आप लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा लेना, क्योंकि मैंने 6 नींबू ली हूँ, आप लोग 2 नींबू का भी बना सकते हैं, 3 नींबू का भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताई हूँ वैसा। तो सबसे पहले हम लहसुन को कूट लेते हैं मिर्ची की बुक्की में डाल के, मिर्ची पाउडर में डाल दो, सॉरी मिर्ची की तो बोलेगा आंटी आपने मिर्ची बुक्की बोले, वही होता है बट अम्मी हिंदी में बोलते हैं, तो अभी अम्मी ने इंग्लिश में बोल दिया मिर्ची पाउडर, उसको अच्छे से अम्मी कूट लेंगे। देखिए लहसुन और मिर्ची मैंने अच्छे से कूट ली हूँ, और नींबू को मैंने ऐसा बारीक बारीक अच्छे से काट ली हूँ, है ना। देखो नींबू की बीज मैंने निकाल ली, बीज साइड में रख लेना है पूरी, और उसको ऐसा बारीक बारीक नींबू को काट लेना है, जो नींबू का रस रहता है ना, हम जब नींबू का रस निकालेंगे तो रस भी इसके अंदर डाल देना है ना। देखो रस भी मैंने अंदर डाल दी हूँ, और नींबू को ऐसा छोटा छोटा पीस कर लेना है। अब इसको हम आराम आराम से सारे नींबू को अंदर डाल देते हैं। और मुस्कान मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं तेरे? बहुत ज़्यादा, मेरे को तो यही नींबू देख के पानी आ रहा है ज़्यादा, एकदम खट्टा खट्टा, जाने दो जबान लड़वो हो रही है। उसको आराम आराम से कूट के लिए कूट लेंगे। तो गाइस देखिए आज मैं अपने अब्बा की मतलब मन पसंद डिश बना रही हूँ, क्या बोलते हैं डिश ना, डिश जो मेरे अब्बा को काफ़ी पसंद थी, और हमारे घर में भी बहुत खाते हैं इसको, और मेरी बहन के घर में तो अक्सर बनती है, मेरी खाला तो पूछो ही मत, पालक की चटनी वगैरह भी बनती है बहुत, अंबाड़े की चटनी बनाए थे ना जो खाला, पालक की मैं वही बोली, पालक की चटनी अंबाड़े की, इसमें पालक वही अंबाड़े की भाजी जो होती है खट्टी भाजी, उसकी चटनी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। आप लोग को अगर चाहिए रहेगा उसकी रेसिपी तो आप लोग भर भर के कमेंट कीजिए। और अंबाड़े की भाजी पर हमारे अब्बा को जरा भी नहीं पसंद, उसके अब्बा को जरा भी अंबाड़े की भाजी नहीं पसंद। तो अभी इसको अच्छे से उसको निकाल के पहले नीचे ना पूरा मसाला उसका नीचे लगा हुआ है, तो उसको मैं मिक्स करती हूँ पहले अच्छे से, एक चम्मच ले लेंगे इसको नीचे से पूरा मसाला निकाल लेंगे, हमारा मिर्ची पाउडर और लहसुन सब नीचे है ना चिपका हुआ है, पानी आ रहा है मम्मी, तू मेरे को मुँह में मत पानी दे, एकदम खट्टा खट्टा मजा आ जाता है। अरे खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, आप लोगों को क्या बताऊँ, दाल चावल के साथ आप लोग बना के खाइए मस्त, रोटी भी रोटी के साथ भी अच्छी लगती है ना, रोटी के साथ भी अच्छी लगेगी। मिर्ची इसमें मिर्ची पाउडर जो रहेगा ना आप लोग थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा तीखी अच्छी लगेगी ये, है ना, तीखी अच्छी लगेगी। चलिए थोड़ा और कूट लेती हूँ उसको मैं,
अच्छे से उसको और बारी कैसे मीडियम रखेंगे ना, मीडियम यस। तो इसको अच्छे से अभी अम्मी मिक्स करके अच्छे मैं भी इसको निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं डब्बे में निकाल लेना उसको, प्लास्टिक के डब्बे में निकालना है, जर्मन के डब्बे में नहीं निकालना उसको, प्लास्टिक के, प्लास्टिक का कोई बर्तन देगा डिब्बे में रख के फ्रिज में रख देना। ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं अगर फ्रिज नहीं तो, सब खराब तो भी होगी चीज़ें, तभी ये और कूटेगी ना। इसको थोड़ा और कूटा, मिक्स करी ना मैंने इसको, थोड़ा और कूट लेती हूँ तो ये और थोड़ा सा बारीक होगा क्योंकि बहुत मोटा है ना अभी इसका ये लींबू। ये लींबू है ना अखा, लींबू थोड़ा अखा अखा ही रहता है, एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं होएगा, ऐसे ही रहेगा ये। गाइस देखो मैंने अच्छे से लींबू को भी कूट के ले ली हूँ, अब उसको आराम से एक प्लास्टिक के बर्तन में निकाल लेंगे, आराम से। मैंने चखी इतना नमक वमक बहुत बराबर ही है, आप लोग अपने हिसाब से नमक डालना क्योंकि मिर्ची पाउडर में भी नमक होता है ना। तो चलिए सारी निकाल लेती हूँ मैं चटनी अच्छे से, खट्टा खट्टा देख के किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है, मैं बनाऊंगी किसी के मुंह में पानी आ रहा था तो मुझे बता दो, कमेंट करके बता दो बोला आंटी आप बना रहे हैं लेकिन मुंह में पानी हमारे आ रहे हैं। ये सब देखने से तो आता ही है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बाद में इसमें क्या करूंगी, थोड़ा चावल डाल के पोंछ के खा लेंगे, पोंछ के निकाल लूंगी, इंडियन बीइंग इंडियन गाइस, क्योंकि ये भी मस्त मसाला ही है ना, क्यों वेस्ट करने का, थोड़ा चावल डाल के मिक्स कर लूंगी। कितना छोटा सा खलबत्ता है देखो हमारे पास, गोल सा छोटू सा। माशाल्लाह मेरी नींबू की चटनी बन के हो गई तैयार, इसको अच्छे से सही करो मत, एकदम सेटअप करो इसका, अच्छे से सॉरी मैं वापस से करती हूं, एकदम अच्छे से सेटअप मारो इसको ना। एक साथ बड़ी ज्यादा बना के डब्बा भर के रख लेने का, कहीं सफर में बहुत जरूर, सफर में बहुत काम आती है ये, सफर में कहीं जा रहे तो बना के लेके चले जाओ, अंबाड़े की चटनी और ये चटनी। तो देखिए गाइस मेरी नींबू की चटनी बनके हो गई तैयार, तो आप लोग भी लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आप लोगों को नींबू की चटनी कैसी लगी, और आप लोग भी जरूर बना के खाइए, जरा चखो इसी बात पे चम्मच में का माँ क्यों चखो जरा कैसी है ना इसकी, हल्का सा ले लो थोड़ा सा चख के बताओ कैसा लग रहा है, चख लेती हूँ आप लोगों को दिखा भी लेती हूँ। मस्त, मुझे तो एक लींबू देख लो, एक लींबू एक नंबर बनी गाइस, एक नंबर चटनी बनी लींबू की, मैंने ऑलरेडी पहले भी चखी है, दाल चावल के साथ खाइए, अपने पास भाजी वाजी नहीं रहती है तो दाल चावल बनाने का गर्म गर्म बारिश के मौसम में, और उसको पीस के रख लेने का और खाने का। हाँ, अभी मुझे चखाओ, आहा बहुत खट्टा है, खट्टा है ना, तो नींबू तो खट्टा होता है, मीठा होता है क्यों, स्वान को भी चखाओ, ले बोलो चम्मच दो, ले चम्मच से एक बाइट ले पूरा, एक ले चम्मच ले, स्वान अगर तूने एक अक्खा खा लिया तो मैं तुझे मान जाऊंगी तू मेरा भाई है। मस्त है, खट्टा है उसने खाया, बट तूने तू इतनी पूरी चटनी खाया, तू मुझे जो बोलेगा मैं तुझे वो दिलाऊंगी, खा सकता है नहीं, दम नहीं, डर गया चैलेंज से, डर गया गाइस। तो चले चटनी तो हमारी बन चुकी है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और यहाँ पे हमारी लिखा पढ़ाई चालू है, अभी भी जारी है, मैं भी लिख ही रही हूँ। तो चले हमारा काम तो हो गया, अभी अम्मी तो चले गए, इसको रख देंगे, अब इसको मैं रख देती हूँ साइड में। हाँ, और यहाँ पे देखो इसको रुको मोबाइल देखते बैठा हुआ है, तो चले लिख लेते फिर आप लोगों से। अलहमदुल्ला हमारा खाना हो गया, खाना पीना खा लिए, बस जा रहे थे सोने के लिए, और मैंने ना मतलब बहुत मुझे कॉलेज का लिखना था, फिर मैंने लिखी, अभी भी और थोड़ा बाकी है, क्लासेस का भी लिखना बाकी है, तो मैं कल लिखूंगी क्योंकि कल भी संडे है इस वजह से। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो छिकनी मैंने लगाई थी आप लोगों ने देखे रहोगे, वो मुझ पर मुझे ही भारी पड़ गई थी, छींक छींक के लिटरली मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे ना अब्बा पे ट्राई करना है, बट मैं देखूँगी कल कोशिश करूँगी कि अब्बा को लगाऊँ, अब्बा लगाएंगे नहीं मुझे मालूम है, बस शाड़ है वो, बट फिर भी देखते हैं। तो चलो इसी के साथ व्लॉग यही पेंड करते हैं, अच्छे लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और बेल घंटी बटन दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.
You look